सब्सक्राइब कीजिए एआई टेक्निकल चैनल को और फिर बेल आइकन दबाइए टेक्निकल टर्म्स आसानी से समझने के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एसोसिएटेड जितने भी फीचर है उसमें सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला फीचर है स्मार्ट होम। पर स्मार्ट होम आखिर होता क्या है? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट होम क्या होता है और स्मार्ट होम कैसे काम करता है। हाय गाइस, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। आप जब अपने घर में नहीं होते हैं तो कभी कभी आपके मन में डाउट आता है कि क्या मैंने कॉफ़ी मेकर को ऑफ़ किया या नहीं किया, या मैंने सिक्योरिटी अलार्म को सेट किया या नहीं किया, या बच्चे पढ़ाई छोड़ के कहीं टीवी तो नहीं देख रहे हैं। स्मार्ट होम में आपको ये सब वरी करने की ज़रूरत नहीं होती और अपने फ़ोन और टैबलेट में देख के आपको सब पता चल जाता है। आप अपने घर के डिवाइसेज और अप्लाइंसेज को कनेक्ट कर सकते हैं जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को मैसेज सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इससे आप उन्हें रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो घर पहुंचने से पहले रास्ते से ही अपने घर का एयर कंडीशन ऑन कर सकते हैं ताकि जब आप घर पहुंचे तो आपका घर ठंडा हो। अगर आप घर पर लाइट ऑफ करना भूल गए हैं और बाहर जा चुके हैं तो आप बाहर से ही घर का लाइट ऑफ कर सकते हैं। अगर आप घर का गैराज का गेट बंद करना भूल गए हैं और आप ऑफिस पहुँच चुके हैं तो आप ऑफिस से ही घर का गैराज का गेट बंद कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती है उसको आप अपने नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। आप स्मार्टफोन और टैबलेट के अलावा रिमोट कंट्रोल से या वॉइस से नेटवर्क में डिवाइसेस और अप्लायंसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट होम उतना ही कॉमन होगा जितना आज स्मार्टफोन है। पर स्मार्ट होम आखिर काम कैसे करता है? स्मार्ट होम के अंदर सेंसर्स होते हैं और सर्वर्स होते हैं। ये सर्वर्स रिमोट सर्वर्स होते हैं जिन्हें हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। सर्वर्स को कन्फिगर करके हम किसी भी लोकेशन पर मल्टीपल सेंसर्स को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट होम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हब, जिसे हम गेटवे भी कहते हैं। वो होम राउटर से इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सभी IoT बेस्ड सेंसर्स एक दूसरे से हब के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं और हब इंटरनेट के थ्रू इनपुट लेते हैं और आउटपुट क्लाउड नेटवर्क पर भेज देते हैं। इस तरह के आर्किटेक्चर के कारण हम स्मार्ट हब को दूर से ही स्मार्टफोन के थ्रू मैसेज सेंड या रिसीव कर सकते हैं। बस उसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि हमारे घर का जो होम नेटवर्क है वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और हमारे स्मार्टफोन पे भी इंटरनेट होना चाहिए। तो हमारा स्मार्टफोन और होम दोनों क्लाउड से कनेक्ट हो जाता है और क्लाउड के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, यानी एक दूसरे को मैसेज सेंड और रिसीव करता है। स्मार्ट होम में सभी डिवाइसेस सेम नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं और वो एक दूसरे से हब के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो उससे हम एक और एडवांटेज ले सकते हैं कि हम जो मल्टीपल सेंसर्स हैं उसको एक के बाद एक करके ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे कि हम ये सेट कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे मेन डोर का सेंसर ट्रिगर होता है, हमारे बेडरूम का लाइट सेंसर ट्रिगर हो जाए। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे हमारा मेन गेट ओपन होगा हमारे बेडरूम का लाइट स्विच ऑन हो जाएगा। स्मार्ट होम का डेटा क्योंकि क्लाउड में सेव होता है और हब सेंसर्स पे हो रहे किसी भी एक्शन का अपडेट कंटिन्यूसली क्लाउड पे करते रहते हैं, इसलिए हम स्मार्ट होम को कहीं से बैठ के भी मॉनिटर कर सकते हैं। स्मार्ट होम में हम IFTTT को इंटीग्रेट करके कंडीशंस भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर घर के बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होता है तो एयर कंडीशन अपने आप ऑन हो जाए, या गार्डन के सॉइल का मॉइस्चर अगर कम होता है तो वाटर सप्लाई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो स्मार्ट होम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम अपने घर को कहीं भी बैठ के भी मॉनिटर कर सकते हैं। एल्डरली और डिजेबल्ड पीपल के लिए ये एडवांटेज है कि ये इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाता है, उन्हें हर चीज़ बहुत आसानी से होने लगता है। उनके हिसाब से हम सेंसर्स को सेट कर देते हैं तो उन्हें काफ़ी आसानी हो जाती है, साथ ही साथ हम उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं। स्मार्ट होम में हम प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, यूज़र प्रेफरेंसेस, जैसे कि अगर हम घर पहुंच रहे हैं तो हमारे घर का लाइट ऑन हो जाए या फिर हमारे गैराज का गेट ओपन हो जाए। और इसमें और भी एक बड़ा एडवांटेज है कि वो हमारे यूज़र बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। तो हम कब आते हैं, कब जाते हैं, कब हमारा लाइट ऑन होता है या कब हमारा एयर कंडीशन ऑन होता है, ये इस चीज़ को ट्रैक करके इसको अकॉर्डिंगली काम करने लगते हैं। इससे ये हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ाते हैं। तो स्मार्ट होम के डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं? क्योंकि हर इंसान टेक्निकल नहीं होता है तो उसे टेक्निकल चीज़ें यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, उसे सीखने में टाइम लगता है। दूसरा ये कि डिवाइसेस कंसिस्टेंट नहीं होती हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग डिवाइस बनाता है तो उसमें डिवाइसेस को साथ में यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा हो गया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप जो भी नेटवर्क कंट्रोल कर रहे हैं अगर उसको कोई हैक कर लेता है तो जो भी एक्सेस आपके पास है नेटवर्क का वो किसी और के पास चला जाएगा। तो मान लिया कि वो आपका गेट ओपन कर सकता है, आपके यहाँ चोरी हो सकती है या आपके यहाँ के अंदर का घर का कोई भी डिटेल्स उसे मिल सकता है। इसमें चौथा पॉइंट है कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। और इसमें पाँचवा पॉइंट ये है कि
इसमें एक गुड क्वालिटी इंटरनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गुड क्वालिटी इंटरनेट नहीं होगा तो हम यहाँ से मैसेज भेजेंगे कंट्रोल करने का, तो कभी कभी ऑपरेशन होगा नहीं, और कभी कभी ऑपरेशन हो भी जाएगा तो वहाँ से हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि जो काम हमने करने को किया था, जैसे कि हमने गेट को बंद किया था, तो बंद हुआ या नहीं हुआ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। अगर आपने हमारा चैनल AI टेक्निकल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन दबाइए। Thank you.